बन गया है. लास्ट एक वो कुमड़ा बचा हुआ था, कुमड़ा होता है ना जिसमें शुगर डाल के बनाते हैं, एंड पहले भी मैं शेयर की हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम बहुत ही खराब लगता है मुझे. तो वो एक लास्ट बचा हुआ था तो मैं वही बना रही थी, अभी वही बन रहा है. तो पापा की मेरा सारा लंच वगैरह सब बन गया है और मैं खुद कैमरा पे आकर के शेयर नहीं की हूँ. क्यों मतलब थोड़ा थोड़ा सा शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, बट खुद कैमरा पे आके शेयर नहीं की हूँ, बिकॉज ऐसा तो कुछ खास रेसिपी या फिर बहुत अच्छा डिश ऐसा तो कुछ था नहीं. ऐसे यूजुअली जो नॉर्मल सा होता है ना वही था, इसलिए मैं खुद कैमरा पे आके शेयर नहीं की हूँ. अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ जब सारा लंच मेरा बन गया है. तो चलिए अभी लंच तो मेरा बन गया है एंड क्रिसमस आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना. मार्केट में जब भी जाते हैं ना, जब भी निकलते हैं ना, तो हर जगह क्रिसमस का ऐसा रहता है, बहुत अच्छा लगता है ना. देखते देखते क्रिसमस आ गया और एक वीक बाद आज 23 दिसंबर है, आज 23 तारीख है. हाँ आज 23 तारीख है, आज वेडनेसडे है. हाँ तो बस एक वीक और बाकी है, फिर न्यू ईयर आ जाएगा. तो चलिए ऐसे करते करते साल भी चला गया. तो अभी मेरा सारा लंच रेडी हो गया है, बन गया है. तो अभी ना बहुत दिनों से जब से छठ पूजा हुआ है ना, तब से हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको, मेरे घर में सबको ठेकुआ खाने का बहुत ज्यादा दिल है. और वैसा वाला नहीं, मैदा वाला जो होता है ना, बहुत एकदम खास्ता करके वो वाला नहीं, बिल्कुल एकदम घरेलू जैसा. आई मीन जैसे छठ पूजा का कैसे प्रसाद बनता है ना, आटा का मैदा का नहीं होता है, वो प्रसाद जो होता है वो आटा का होता है. तो उस टाइप का ठेकुआ खाने का बहुत दिल है और सबको दिल है. और जब से छठ पूजा गया ना, तब से मैं प्लानिंग करी हूँ, बट नहीं हो पा रहा था. तो फाइनली आज सुबह में सूखा नारियल होता है ना ठेकुआ में, सूखा नारियल तो मस्ट है, बहुत अच्छा लगता है. और कुछ उसमें कुछ जाता ही नहीं ना, सिर्फ सूखा नारियल. और बहुत लोग है जो सौंफ डालते हैं, सौंफ होता है ना वो डालते हैं, बट सौंफ मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो मैं सूखा नारियल लाई हूँ और आज ऐसे भी करके मुझे बनाना है, बिकॉज बहुत दिन हो गए, छठ पूजा गए महीनों हो गए, अभी तक नहीं बनाई हूँ मैं. तो आज एकदम नॉर्मल सा, ज्यादा मुझे खास्ता वास्ता नहीं करना है, ज्यादा मतलब उसको अच्छे से मैश करके खास्ता करते हैं ना, वो सब नहीं करना है, एकदम घरेलू देसी स्टाइल ठेकुआ बनाना है. ढेर सारा सूखा नारियल डाल के ठेकुआ बनाना है और आटा का, बिल्कुल आटा का, मैदा का एकदम नहीं. ठेकुआ तो खाएंगे बट हेल्दी वे में खाएंगे, हेल्दी तरीके से खाएंगे. मैदा का ना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, मैदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. तो चलिए जल्दी जल्दी से, वैसे मैं ठेकुआ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ, लास्ट दो बार मैं यूट्यूब पर शेयर की हुई हूँ, ये थर्ड टाइम है, आई थिंक ये थर्ड टाइम है, बट फिर भी जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ. ठीक है, बहुत सारा ढेर सारा सूखा नारियल डाल करके ठेकुआ बना लेती हूँ, एंड बातें जब ठेकुआ बन जाएगा ना तब करूँगी, अभी नहीं करूँगी. तो चलिए जल्दी से पहले ठेकुआ बना लेती हूँ, देन आप.
सेम सा कलर आता है और मैं नोटिस की कोई भी फ्राई वाला चीज में ऐसे ही कलर आता है। ठकुआ मैं लास्ट टाइम भी बनाई थी तो ऐसा ही कलर आया था। कचौड़ी पूरी वगैरह भी बनाती हूँ ना तो ऐसा ही अजीब सा ब्राउन ब्राउन अजीब सा कलर आता है, पता नहीं क्यों। बट सामने से ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा ठकुआ तो रेडी हो गया और बहुत ज्यादा हेल्दी है। अभी हेल्दी तो ज्यादा नहीं बोल सकती अभी का, जिसमें बहुत सारा शुगर है, ऑयल भी गया है, बट फिर भी मैदा का नहीं है, आटा का है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना है बिकॉज मैं बाबू को खिलाई हूँ। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो और मैंने आज ये वाला पहना है और लग रहा है ना कि मैंने मैं नाक में चूड़ी पहनी हूँ, नाक में चूड़ी। बहुत अजीब लग रहा है, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि बहुत अजीब, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बट कोई ना, कभी कभी अजीब भी लगना चाहिए। तो चलिए मेरा ठकुआ बन गया। और पता नहीं मैं बात करते करते ना वीडियो शूट कर रही थी तो पता नहीं मैं कितना रिकॉर्ड कर पाई नहीं कर पाई, एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। और ये वाला वीडियो ना कल जाएगा, आज नहीं जाएगा। आज 23rd है तो 24 तारीख को जाएगा, कल जाएगा पक्का, क्योंकि आज तो ऑलरेडी शाम हो ही गई है। तो और अभी एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा प्रोसेस है, तो कल जाएगा, आज मेरा वीडियो नहीं जाएगा। प्लीज देख लीजिएगा और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो वीडियो ना तो मुझे बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, आप लोग सजेशन दीजिए, फिर मैं अच्छा अच्छा वाला वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा क्रिसमस का होगा, देखती हूँ क्रिसमस वाले दिन क्या करती हूँ, मतलब करना क्या है, जो भी है मैं उस दिन वीडियो जरूर शूट करूंगी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का प्यारा सा मीठा सा व्लॉग, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ विद द न्यू वीडियो, क्रिसमस वाले दिन मैं ट्राई करूंगी वीडियो बनाने का। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। ठीक है फिर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।